कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट टाइम न्यूज में। इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे रेखा को लेकर। जी हाँ, बता दें कि सबसे खूबसूरत अभिनेत्री आज के टाइम में और अभी की उम्र में भी बहुत ज़्यादा ही दिखती है, लेकिन कुछ ऐसी भी खबर उनके सामने आई है जिसको लेकर उनके फैंस काफ़ी ज़्यादा घबरा गए। लगातार एक वीडियो और एक फोटो वायरल हो रहा है जिसमें बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से दिखाई दे रही है रेखा और नीचे लिखा है कि मुझे कैंसर है और साथ ही साथ लिखा है कि परिवार ने साथ छोड़ दिया। क्या आपको लगता है कि यहाँ पर कैंसर हो सकता है रेखा को, जिस चीज़ की पहले कोई खबर नहीं थी लेकिन अचानक से ये आना, तो उसी चीज़ की, उसी फोटो, उसी वीडियो की हम लोग इस खबर में आज पुष्टि करेंगे। हम आपको सच्चाई बताएंगे कि आखिरकार ये खबर सच्ची है या फिर झूठी, और ये तक कहा गया है कि उनके दो बच्चों ने उनका साथ छोड़ दिया, तो आखिरकार ये कौन है और किस वजह से ये फोटो वायरल हो रहा है, वो आप इस खबर में आखिर तक ज़रूर जानिएगा। चलिए फिर बताते हैं आपको इस फिल्म के बारे में। ये फिल्म का नाम है सदा सुहागन, जो 15 अगस्त 1986 को आई थी, जिसमें यहाँ पर रेखा के साथ साथ जितेंद्र ने भी रोल निभाया था और इस फिल्म में ही ऐसा रोल निभाया गया था। तो उस रोल की भी कहानी आपको पूरी बताते हुए चलते हैं कि आखिरकार ये वाक्य पूरा क्या है जिसकी वजह से उनके फैंस लगातार परेशान हो गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले रेखा की जीवनी से शुरू करते हैं कि आखिरकार रेखा है कौन। रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात है, भारतीय फिल्मों की मशहूर अदाकारा है जो कि मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। अपनी पर्सनालिटी और हिंदी फिल्मों की बेहतरीन अभिनेत्री मानी जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो में हुआ था। वह अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रही और 1970 तक आते आते वह अभिनेत्री के रूप में स्थापित की गई। रेखा ने अपने 40 सालों के लंबे करियर में लगभग 180 से ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए और कई मजबूत फिल्में किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया और मुख्यधारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई 8 फिल्मों में भी काम किया, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्हें 3 बार फिल्म फेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री का, जिसमें क्रमशः खूबसूरत, खून भरी मांग और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसी फिल्में शामिल हैं। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे भी गिरा, लेकिन वे उनके अपने कोई कई बार उससे उभरा और स्टेटस को बरकरार रखने के लिए उनकी क्षमता ने सभी का दिल जीता। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया। रेखा का जन्म चेन्नई में तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफ़ी सरल हुए और रेखा भी उन्हीं के पदचिन्हों पर चली। ये तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती है, वे हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती है। रेखा पॉपुलर चर्च पार्क कन्वेंट चेन्नई की एल्युमिनियम रही है। रेखा ने अभिनय क्षेत्र में करियर बनाने के लिए पढ़ाई छोड़ दी। उनकी उस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने यह कदम उठाया। 1990 में दिल्ली के कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी कर ली। अफवाह यह भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन 2004 में सिमी अग्रवाल के एक इंटरव्यू में मुकेश के साथ उनकी शादी का खंडन किया और उन्हें अपना वेलविशर बताया। वे अभी मुंबई के बांद्रा इलाके में रहती हैं। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में दिखाई दी, जिसमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बताया गया। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली CID 999 में किया था, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली फिल्म हिंदी अनजाना सफर रिलीज हुई थी। फिल्म के किसिंग सीन के विवाद के चलते यह फिल्म नहीं रिलीज हो पाई। बाद में इस फिल्म को दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। उनका अभिनय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने यह किया और यह जीवन का कठिन समय रहा था। 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। बाद में उन्हें कई फिल्मों में रोल मिलने लगा, लेकिन वे ग्लैमर गर्ल के से ज़्यादा कुछ नहीं थी।
उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन ना जाए जैसी फिल्मों में काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सहाराया गया वह थी अमिताभ बच्चन के साथ दो अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ की लालची बीवी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला था। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट थी। यह फिल्म उनकी करियर का माइलस्टोन रही और उसके बाद फिल्म में उनके अभिनय और आलोचकों और जनता दोनों ने काफ़ी सराहाया। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नामांकित भी किया गया था। इसके साथ साथ उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वे एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। यह फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही और रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। फिल्म की काफ़ी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्मफेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया। 1980 में वह कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का पिता बेटी का रिश्ता बन चुका था। यह फिल्म भी सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सहाराया गया। इसे फिल्मफेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो मिला ही, साथ ही साथ रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। इसके बाद से अग्रणी फिल्म निर्देशकों ने रेखा को नोटिस किया और अपने फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की खासी रुचि दिखाई। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ कई ज़्यादातर फिल्में हिट हुई। उनका अमिताभ के साथ अफेयर मीडिया में काफ़ी चर्चा का विषय भी बना रहा, क्योंकि अमिताभ पहले से ही शादीशुदा थे जया बच्चन के साथ, और हमेशा ही जया बच्चन इस पर कहती हुई नज़र आती है कि आम सी बात है और इस पर कोई भी बात करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके सिचुएशंस यहाँ पर ठीक होती चली गई। इसके साथ साथ यहाँ तक कि रेखा से पूछा भी गया था कि आप बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर डॉग से, तो रेखा ने तुरंत कहा कि अपने डॉग से प्यार करती हूँ। बता दें कि रेखा के पास पहले पिसी नाम का एक डॉगी था जिसकी अब मौत हो चुकी है। उसके बाद रेखा ने एक और डॉग अडॉप्ट किया था। ये डॉग रेखा के साथ हमेशा ही रहता है। एक बार लंदन जाने के लिए फ्लाइट में उनकी डॉगी को इजाज़त नहीं मिली तो रेखा काफ़ी नाराज़ हो गई। और बाद में एयरपोर्ट से उनकी दोस्त और सेक्रेटरी फरजाना को डॉग वापस ले जाना पड़ा था। जी हाँ, इसकी वजह से यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा दुखी हो चुकी थी रेखा। लेकिन अब आपको साथ ही साथ बताते चलते हैं कि रेखा बहुत ही ज़्यादा मशहूर अभिनेत्री है और आज के टाइम में भी बहुत ही ज़्यादा उनका नाम है। लेकिन जो बात उनके यहाँ कैंसर को लेकर की थी, आई होप कि उनकी पुष्टि हो चुकी है, क्योंकि एक फिल्म का सीन था जिसमें सदा सुहागन फिल्म थी जो जितेंद्र के साथ की गई थी, उस फिल्म में उनको ये किरदार निभाना था और जो बेहतरीन तरीके से वो निभा भी रही थी। तो बस इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर उनका वो फोटो वीडियो लगातार वायरल हो रहा था, इस पर लगातार क्वेश्चन उठ रहे थे। जवाब हम आपको दे चुके हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ फिल्म का सीन था जिसमें कहा गया था कि वो उनके बच्चे उन्हें छोड़ के चले गए और उनको कैंसर जैसी बीमारी है। वो भले ही आज अकेली रहती हो लेकिन वो पूरी हुष्ट पुष्ट होकर रहती है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है खास। और रही बात उनकी प्रॉपर्टी और इनकी चीज़ों को लेकर, तो ऐसी जानकारी हम आपको पहले ही दे चुके हैं कि फिल्में तो अब वो इतनी करती नहीं है, लेकिन टीवी के रियलिटी शोज़, एडवर्टाइजमेंट्स में वो इतना आती है। उनके खुद के फ्लैट्स हैं तो वो अच्छा खासा पैसा कमा लेती है और उनके पास आज के समय में भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। जी हाँ, तो आपको ये भी बताते हुए चलते हैं कि अमिताभ के साथ भी आज के टाइम में तो नाम नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन एक समय था जब उनके साथ नाम जोड़ा जाता था। और उसकी भी ये जवाब काफ़ी बार दे चुके हैं। एक रिसेंटली इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं क्या सभी लोग अमिताभ जी से प्यार करते हैं, तो अगर मैं भी करती हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो सब लोगों को समझना चाहिए कि चीज़ें जिस तरीके से दिखाई जाती है वैसी होती नहीं है। और वही ये तो आपने इस खबर में सुना ही कि ये फोटो झूठी थी, यानी कि किसी फिल्म का सीन रिक्रिएट किया गया और उस फिल्म में से इसको निकाला गया और उसके बाद लोगों के सामने पेश किया गया और नीचे लिख दिया गया कि मेरे को कैंसर है और मेरे दोनों बच्चों ने मुझे छोड़ दिया। इसकी वजह से रेखा के फैंस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सदमे में आ गए कि आखिरकार कि रेखा को कब से ही बीमारी हो गई, इस वजह से उनके फैंस डर गए। लेकिन अब खैर मनाइए कि खबर झूठी ही थी एक तरीके से, यहाँ पर लोगों को सिर्फ डराया जा रहा था। लेकिन हमने नेक्स्ट नाइन ने इस खबर की पुष्टि कर दी है कि ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर रेखा पूरी तरीके से ठीक है और उनको कोई कैंसर की बीमारी नहीं है। बीमारी थी तो उनको अपनी एक फिल्म में थी, जो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं। तो आपको ये खबर कैसी लगी रेखा के बारे में सुन के, और क्या आप आज के टाइम में अभी भी रेखा को फिल्मों में देखना चाहते हैं या नहीं, उस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज़।